अब भारत के साथ T20 bilateral सीरीज भी खेलना चाहता है पाकिस्तान। दोस्तों आप सभी को पता है कि 2026 में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप और उसके लिए 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान भारत के साथ T20 bilateral सीरीज खेलना चाहता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान को पता है कि भारत पाकिस्तान तो आएगा नहीं खेलने के लिए, तो पाकिस्तान खुद अपनी तरफ से ये चाहता है कि वो किसी न्यूट्रल वेन्यू में खेले, लेकिन खेलेगा वो भारत के साथ ही। भारत के साथ उसका लगाव इतना ज़्यादा है। वजह क्या है? वजह है कि भारत के लेवल का उनको अभी तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो इस क्वालिटी लेवल की क्रिकेट वो खेल नहीं पा रहे हैं। उनको जिम्बाब्वे, नीदरलैंड इन्हीं सब टीमों के साथ मैच खेलने को मिल रहा है और कभी कभार एक दो बायलैटरल सीरीज़ वो या तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ वो खेल लेते हैं। लेकिन जिस लेवल का क्रिकेट भारत खेलता है और ख़ासकर दोनों मुल्कों में जिस लेवल की दीवानगी है एक दूसरे देशों के लिए क्रिकेट के लिए, उसको देखते हुए वो भारत के ही पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन भारत क्यों नहीं खेलना चाह रहा? क्योंकि भारत का सिर्फ एक ही नियम है कि बॉर्डर में खून के साथ, जंग के साथ साथ क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, मतलब नहीं खेली जा सकती। एक तरफ आप हमारे ही जम्मू कश्मीर में आपने आतंकियों को ट्रेन करके भेजा हुआ है ताकि आप हमारे ही देश की सुरक्षा खतरे में डालें और वहाँ आतंकवाद फैलाएं, और बॉर्डर के पार से आप उसको फंड कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हथियार मुहैया करा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप चाहते हैं कि आपके देश में लगभग जो घटिया स्तर की क्रिकेट खेली जा रही है उसको दोबारा से जिंदा करने के लिए भारत आपका समर्थन करें। इसीलिए वो बार बार भारत के सामने ऐसे हाथ फैला के उसके सामने भीख तरह की मांगता है पाकिस्तान कि हमारे साथ खेल के हमारे स्तर का थोड़ा सा बढ़ा दो हमारे स्तर। आप सोचने वाली बात है कि भारत क्यों खेलेगा? आप चाहे लाख कोशिशें कर लें, आपको बता दें दोस्तों कि 2025 में भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान पूर्ण जोर कोशिश कर रहा है कि इंडिया को वहाँ किसी न किसी तरह से ले आया जाए और किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में उन्होंने बढ़िया व्यवस्था बना रखी है, एक बाहर 5-स्टार होटल खड़ा कर दिया है रातों रात, वहाँ तमाम सुविधाएँ दी गई हैं कि इंडियन क्रिकेट को जिस लेवल की सुविधाएं वर्ल्ड में मिलती हैं उसी तरह की पाकिस्तान में भी मिले। चाहे उनके देश में दो रोटी नहीं है लोगों के पास खाने को, लेकिन वहां उनको ज़रूर मिले। क्यों? ताकि भारत आए, और सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ भारत ऐसी टीम है जिसकी अधिकतर मैच, लगभग सारे मैच लाहौर में ही शेड्यूल किए गए हैं। अब वो दूसरी बात है कि भारत वो मैचेस इजाज़त देता है कि नहीं वहाँ खेलने के, वो BCCI के ऊपर है। लेकिन पाकिस्तान का ये सोचिए कि बायलैटरल वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी तो खेली नहीं जा रही है, वहाँ के लिए अभी तक तो भारत को मनाया तो है नहीं, लेकिन अब प्लानिंग कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे T20Is के लिए, ताकि 2026 के लिए तैयारी बना सकें। तो हमें जितना लगता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो मना करेगा ही करेगा, और ये बायलैटरल के लिए तो बिल्कुल मना करेगा, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा ही कारण नहीं है उनके साथ खेलने के लिए। बॉर्डर पे आपने अशांति जो फैला के रखी है आप, वो ये वजह होनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि खबर ये आई है कि जो कोलंबो में, श्रीलंका में 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में ये जो कॉन्फ्रेंस चल रही है ICC की एनुअल कॉन्फ्रेंस, उसमें पाकिस्तान के PCB बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो BCCI सेक्रेटरी जय शाह से मिलके उनके सामने बातचीत कर सकते हैं। मोहसिन नकवी जय शाह से बातचीत कर सकते हैं कि हमें इस तरह की खेलने का मौका या इस तरह से किया जाए। लेकिन आपको पता ही है जय शाह और जो देश का रवैया रुख रहा है वो साफ साफ ये रहा है कि हम लोग भाई नहीं जाएंगे जब तक तुम शांति न मचाओ, और जो कि बहुत सही भी है। इस पूरे उसमें आपका क्या मानना है? भारत को जाना चाहिए, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें बता दो, और अच्छा लगा वीडियो इसी तरह के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि वीडियो मिस ना करें। In the background was the growing struggle between two great powers to shape the post-war world.